इन दिनों हिंदू संगठनों द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। हिंदू संगठनों का मानना है कि 14 अगस्त वर्ष 1947 में भारतवासियों को मिली आज़ादी अधूरी आज़ादी है, जिसको लेकर हिंदू संगठन लोगों के बीच एक जन जागरण का भाव प्रकट कर रहे हैं। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मंगलवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन हरिओम तिराहा स्थित एक लॉन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी, प्रदेश विधि प्रमुख कौस्तुम्भ मणि त्रिपाठी, आरएसएस प्रांत सह प्रचारक प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी, जिला संयोजक विनय, महानगर अध्यक्ष आशीष राजेश द्विवेदी सहित मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने के उद्देश्य को लोगों के बीच रखा। समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आप देखिए, कमी का देर ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया कि हम पराजित हो गए। हम पराजित कभी नहीं हुए, हमेशा युद्ध किए। इतिहास बदल दिया गया, हमें बता दिया गया कि हम पराजित हो गए, पर मित्रों हमारे शूरवीर राजाओं ने हमेशा संघर्ष किया। हमारे छत्रवाणियों ने, हमारी वीरांगनाओं ने हरदम अपने जानों की कुर्बानी दी, पर परिणाम हमेशा गलत निकला, क्योंकि हम पराजित हो गए। इतिहास में जो पराजित हो जाता है उसका पराक्रम भी वही दफन हो जाता है मेरे भाइयों। इसलिए हारना अपनी किस्मत बनाना, अलग अलग लड़ते रहे। औरंगजेब से एक ही समय पूरे भारत वर्ष लड़ रहा था। औरंगजेब से मैं बताना चाहूंगा अपनी बहनों को, भाइयों को, पूरा भारतवर्ष एक ही समय लड़ रहा था। उत्तर में कोई और, दक्षिण में कोई और, पूरब में कोई और, पश्चिम में कोई और, पर परिणाम क्या हुआ? सभी राजपूत राजा पराजित हो गए। अगर उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ दिल्ली के सल्तनत पर हमला कर दिया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया होता। आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया, पर वो भी दुर्भाग्य से तुष्टिकरण की जीत का शिकार हो गए और देश का एक दुखद परवाना करवा दिया। मेरी मूर्ति खंडित पड़ी हुई है, मैं आज भी दूषित हूं, मेरा आचर आज भी तार तार दामन हो रहा है दुश्मनों से। तुम अलग अलग किसकी आराधना कर रहे हो? तुम अलग अलग कौन से ठाकरों को कर रहे हो? अगर सबका निमित्त भारत माता है तो वो भारत माता तो दुखी है, वो भारत माता तो पीड़ित है। अखंड भारत के लिए संगठित होकर एक जगह अपने शक्ति को समर्पित करोगे तो मां भारती को बेड़ियों से मुक्त दिला सकोगे। इतने संगठन पर हम खंडित होते जा रहे हैं।